दोस्तों, अगर आप लोग टिकटॉक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं, कोई भी अगर आप सोशल ऐप यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि आपका इंटरनेट डेटा पूरा नहीं चल पाता, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास मॉर्निंग में ही आपको ये मैसेज मिलता है कि आपने अपना इंटरनेट 50% यूज़ कर लिया और आप काफ़ी परेशान हैं। अगर आपके पास 1 GB है या आपके पास 1.5 GB है, 2 GB है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपको एक लेटेस्ट तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके से अगर आपके पास 1 GB डाटा भी है तो आपका 1 GB डाटा पूरा दिन चलेगा, वो पूरा दिन भी ख़त्म नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को भी यही दिक्कत है और आपको भी लगता है कि हमारा इंटरनेट हम उसको पूरा यूज़ नहीं करते फिर भी ख़त्म हो जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आपके फ़ोन की 2 कमाल की सेटिंग बताऊँगा। अब उसके बाद आप टिकटॉक चलाना, यूट्यूब चलाना, फेसबुक चलाना, कोई भी ऐप या यूज़ करना, यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो प्ले करना, मूवी देखना, ये सब प्रॉब्लम आपको दोबारा से नहीं आएगी, आपका इंटरनेट डेटा ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि 2 सेटिंग से हमें क्या फ़ायदे होंगे और किस तरीके से हम अपना इंटरनेट डेटा पूरा दिन तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा हर बार की तरह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको वीडियो के नीचे लाइक का बटन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, तो प्लीज़ एक बार यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को ज़रूर दबाना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर आप नीचे जाइए और आपको यहाँ पर टाइप करना है कि आपके पास किस कंपनी का सिम कार्ड है। जैसे कि मेरे पास जियो है, आपके पास एयरटेल, आइडिया है, वोडाफोन, किसी भी कंपनी का सिम कार्ड है, तो यहाँ पर वो कमेंट टाइप कीजिए और इस कमेंट को सेंड कर दीजिए। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दोनों ही सेटिंग को करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर कुछ चेंजेस करने होंगे, तभी आप अपना इंटरनेट पूरा दिन यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सेटिंग ओपन कीजिए, ऊपर मिलेगा आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहाँ पर आप क्लिक करना। फिर मिलेगा आपको डेटा यूसेज का एक ऑप्शन, यहाँ पर आप जाइए। अब इसके बाद जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको ऐप डाटा यूसेज का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको वो ऐप दिखाई देंगे जो आपका इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। आपके बैकग्राउंड में भी ये ऐप चलती हैं और आपका इंटरनेट डेटा यूज़ करते हैं और आपको मालूम नहीं होता। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको कोई भी ऐप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे बैकग्राउंड डाटा, तो इसको आप ऑफ़ कर देना। सभी ऐप का आप बैकग्राउंड डाटा ज़रूर ऑफ़ कर देना, इससे ये ऐप आपके बैकग्राउंड में नहीं चलेगी और बेवजह ही आपका इंटरनेट डेटा ख़त्म नहीं होगा। अब इसके बाद अगर आपके पास 100 MB भी हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी चल जाएंगे। तो सभी ऐप को आप कुछ इस तरीके से बंद कर लेना, बैकग्राउंड से बंद हो जाएगी, लेकिन आप जब इन ऐप को यूज़ करोगे तो ये ऐप काम करेंगी। तो इसके बाद आपको करनी है दूसरी सेटिंग। अब दूसरी सेटिंग करने के लिए भी आपको अपनी फ़ोन सेटिंग ओपन करनी है और वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने सेटिंग ओपन की। अब इसके बाद सबसे नीचे जाइए आप, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखा दूँ। यहाँ पर मैं अपने कैमरे को नीचे, यहाँ पर थोड़ा मैं नीचे ले जाता हूँ, ये नहीं सिस्टम, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है, एडवांस में जाना है। एडवांस पर क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, दोस्तों आपको इसे इनेबल करना होता है। इनेबल करने के लिए अबाउट फोन में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा बिल्ड नंबर, 7 बार लगातार आप दबा दीजिए। अब यहाँ पर सबसे बाद नीचे जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप का, तो यहाँ पर चलिए मैं देखे ये रहा ऑप्शन ऐप का। अब यहाँ पर आपको मिलेगा बैकग्राउंड चेक, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना। अब ये ऐप भी आपके बैकग्राउंड में रन कर रही है, देखिए दोस्तों ये सभी ऐप आपके बैकग्राउंड में चल रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बैक जाइए, बैक जाने के बाद आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करना और नो बैकग्राउंड प्रोसेस का ये ऑप्शन है 2nd नंबर पर, इसको आप इनेबल कर देना। अब ये ऐप भी आपके बैकग्राउंड में काम नहीं करेंगी। तो दोनों ही सेटिंग काफ़ी कमाल की हैं। अगर आप लोग टिकटॉक वगैरह देखते हो, यूट्यूब वगैरह देखते हो और आपको लगता है कि आपका इंटरनेट डेटा पूरा नहीं चल पाता, अब इन दोनों सेटिंग की वजह से आपका इंटरनेट डेटा पूरा दिन चलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक